चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपने दर्शकों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नयापन अपनी फिल्मों में लेके आते रहते हैं। तभी तो इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है और हर फिल्म उनकी बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास भी रचती है। इसी कड़ी में सलमान खान और कटरीना कैफ की स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही धमाल मचाना चालू कर दिया है। अगर हम फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब पहले दिन 50 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है, तो वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। दूसरे दिन का कारोबार करीब 60 करोड़ का माना जा रहा है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा सिर्फ आकलन में किया जा रहा है, क्योंकि सलमान खान के फैंस जिस हिसाब से थिएटर में भीड़ देखी गई है उस हिसाब से यह आंकड़ा बहुत कम नापा गया है। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है सलमान और कटरीना की एक था टाइगर का सीक्वल है। टाइगर जिंदा है में सलमान खान और कटरीना का जोरदार एक्शन अवतार दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। खास करके कटरीना का बिल्कुल एक्शन अवतार पहली बार दर्शक देख पा रहे हैं। हालांकि इससे पहली फिल्म एक था टाइगर में भी कटरीना का एक्शन अवतार था, पर कुछ ज्यादा ही नहीं था। आपको बता दें कि यह फिल्म कटरीना और सलमान खान के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि 5 साल के बाद सलमान अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ जोरदार रोमांस भी टाइगर जिंदा है में करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सलमान खान पर फिल्म आया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत दर्शकों की जुबान पर चढ़ा हुआ है और उम्मीद किया जा रहा है कि यह फिल्म जल्द ही तीसरे दिन ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले सकती है।